नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका आज की इस नई वीडियो में। बड़ी खुशखबरी एयर इंडिया से निकल कर आ रही है, वीडियो को पूरा देखिए। उसके पहले अगर आप चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आप हमारे चैनल से मिस ना कर सको। दोस्तों हाईलाइट्स बता दें इस वीडियो के, बताना चाहेंगे एयर इंडिया यहाँ पर तगड़ा डिस्काउंट देने जा रही है और डिस्काउंट देश में कहीं पर भी यात्रा करने के लिए मान्य है। वहीं आपको बता दें जो यात्रा की तारीख होने वाली है वो हो सकती है 7 दिन पहले हो सकती है। यात्रा से 7 दिन पहले आपको टिकट बुक करवानी होगी और यह सुविधा कुछ ही लोगों के लिए जो है वो उपलब्ध है। तो पूरी खबर की बात करें तो आपको बता दें एयर इंडिया ने यहाँ पर जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट दिया है। इकोनॉमी केबिन में चुनिंदा बुकिंग क्लास में लेने पर बेसिक किराए का 50% तक डिस्काउंट किया जा रहा है। ये डिस्काउंट देश में कहीं पर भी यात्रा करने के लिए मान्य है। साथ ही अगर आपको इसका टिकट खरीदना है तो आप तारीख यात्रा से करीब करीब 7 दिन पहले इसकी जो बुकिंग है वो करवा सकते हैं, जिसकी वैधता 1 साल के लिए होगी। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों यह सुविधा उन बुजुर्गों को मिलेगी जो भारत के नागरिक हैं, साथ ही भारत में ही रहते हैं। बता दें कि हर साल 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति को बुजुर्ग यानी सीनियर सिटीजन की श्रेणी में रखा जाता है, यानी जिन लोगों की उम्र 60 साल नहीं होगी उनको एयर इंडिया का ये जो डिस्काउंट वाला फ़ायदा है ये नहीं मिल पाएगा। साथ ही टिकट बुकिंग के वक्त डिस्काउंट पाने के लिए वैलिड फ़ोटो आईडी की ज़रूरत होगी, साथ में जिनमें जो जन्म तिथि है वो मैच होनी चाहिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और एयर इंडिया की तरफ से जारी किए गए सीनियर सिटीजन आईडी कार्ड से। यहाँ पर आपको बता दें इसकी ज़रूरत इसलिए है ताकि यह पता लगाया जा सके कि जिसको डिस्काउंट दिया जा रहा है उसकी उम्र 60 साल है या नहीं, तो आप इसका फ़ायदा बिल्कुल उठा सकते हैं। कैसी लगी छोटी सी अपडेट कमेंट करके बताइए। अगर आपका कोई भी सवाल सुझाव या सजेशन है आप हमें बेशक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, आगे भी आपके लिए ऐसी जानकारी लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।